जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा तेज़ फेंकने की कोशिश करते हैं तो रिस्ट एक बहुत ही नाजुक पॉइंट है, जो बाहर जो रिस्ट ब्रेक होती है उसकी तो एक वजह है कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो आज का वीडियो बेस्ड है फास्ट बॉलिंग पे। तो मेरे साथ हैं आसिफ सर, जो कि एक्स फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं और एक्स ट्रेनी हैं हमारे फेस फाउंडेशन के। तो आज मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं या नॉर्मल भी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका रिस्ट टूट रहा होता है, तो वो किस वजह से रिस्ट ब्रेक हो जाता है, और किसी बॉलर्स का अंदर की तरफ ब्रेक होता है और किसी बॉलर का बाहर की तरफ, तो इसकी क्या वजह है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आसिफ सर से, तो इसका आंसर करेंगे वो। आपका सवाल है कि रिस्ट अगर ब्रेक होती है तो जनरली जो ज़्यादातर कॉमन है वो रिस्ट अंदर की तरफ ब्रेक होती है ज़्यादातर बॉलर्स की, कुछ एक की बाहर भी होती है। तो जो बाहर जो रिस्ट ब्रेक होती है उसकी तो एक वजह है कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो जा रहा है टूवर्ड्स दी ऑफ साइड, तो बॉडी के साथ ही रिस्ट चली जाती है। और जो अंदर की तरफ ब्रेक होती है वो मे बी समटाइम्स कि हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उसकी वजह से हमारा शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, हमारा हेड फॉल हो जाता है और रिस्ट जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो अगेन यूजुअली दिस हैपेंस जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा तेज़ फेंकने की कोशिश करते हैं। तो रिस्ट एक बहुत ही नाजुक पॉइंट है बॉलिंग का, प्रॉबेबली द लास्ट पॉइंट, उसके बाद बॉल डिलीवर हो जाती है। तो अगर हमारी नीचे की चीज़ें स्टेबल हैं, अगर हमारा बेस स्टेबल है, अगर हमारा ग्लूट्स और कोर अच्छा डेवलप्ड है, हमारा शोल्डर स्टेबल है, डेफिनेटली रिस्ट उसी का प्रोजेक्शन है। तो एक मर्तबा हम नीचे से स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, प्लांटेड हैं, रिस्ट विल रिमेन अलाइंड। अगर ये चीज़ें इसमें वीकनेस है और हम तेज़ फेंकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन होता है, हेड फॉल होता है, बॉडी बेंड होती है, उसकी वजह से रिस्ट दाएँ या बाएँ जाती है। तो माय सजेशन वुड बी कि आप रिस्ट को इन आइसोलेशन ठीक करने ना जाएं, आप उसको नीचे से ऊपर देखें, और अगर आपने नीचे की चीज़ें ठीक कर ली हैं तो रिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ऐसे ही क्रिकेटिंग नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिसने अभी तक नहीं करा है, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके करियर में, आपके स्किल्स पे और आपकी फिटनेस को लेके। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जितने भी न्यू वीडियोज़ आए वो आपको अपडेट उनका मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।